Hey guys, good morning, welcome back to my new another vlog. Guys, आज मैं बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं खसपा काली मंदिर देखने के लिए और आप लोग को भी इसी ब्लॉग में पूरा मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, इसलिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ऐसे नई नई ब्लॉग देखने के लिए चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग गाड़ी से उतरने के बाद ये दो बीएसएफ जवान मिल चुके हैं हम लोग को, आप लोग देख सकते हैं ये वो लोग अभी यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। पीछे ही बॉर्डर है, आप लोग देख सकते हैं ये पीछे बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है ये। बॉर्डर की उस साइड में आप लोग को जो घर दिख रहा है वो पहले मार्केट था लॉकडाउन की टाइम में, अभी फिलहाल बंद हो चुकी है मार्केट। अभी हम लोग मंदिर की तरफ आ रहा था, आते ही हम लोग को रास्ते में एक दुकान मिल गया। कितना प्यारा प्यारा सामान है आप लोग देख सकते हैं और दुकान का नाम है विवेकानंद फेरा भंडार। बहुत ही प्यारा प्यारा सामान रखा है इस दुकान में और फूल भी देख सकते हो गाइस, कितना प्यारा प्यारा फूल है, देख लो कितना प्यारा प्यारा फूल है। गाइस अभी हम लोग फाइनली आ चुके खसपा काली मंदिर में, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। गाइस ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का चौथा सा राज्य त्रिपुरा का अगरतला से 27 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है ये खसपा मंदिर। मंदिर के सामने ये पीपल का पेड़ 200-250 साल से भी पुराना हो चुके, आप लोग देख सकते कितना बड़ा हो चुके है पीपल का पेड़ और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के सामने ये शांत झील इस जगह को और भी आकर्षण बना देती है। महाराजा ने इस झील को जब निर्माण किया था तब कहीं से भी एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा था, इसी को देखते हुए महाराजा ने गंगा पूजन भी किया था, बाद में झील में फिर भी पानी नहीं आ रहा था, इसी को देखते हुए माँ ने महाराजा के सपने में आके बताया तुम अपने बीबी महारानी कमला देवी का पहला पैर झील में जैसे रखोगी वैसा ही झील पानी से भर जाएगा। माँ कहने का आदेश अनुसार महारानी ने झील में उतारी और महारानी का पैर झील में पड़ते ही चारों तरफ से पानी भरने लगा। माँ खसपेश्वरी खाली जिसको काफी लोग खसपा बाग कमला सागर के नाम से जाना जाती है, 15 सेंचुरी में महाराजा कल्याण मणिको की शासन काल के दौरान इस मंदिर का काम शुरू किया गया और महाराजा दयान मणिको की दौरान इस मंदिर का काम पूरा किया गया था। कमला सागर में मां की मूर्ति 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ का मूर्ति मां दुर्गा का समर्पित है, लेकिन पूजा मां काली का किया जाती है। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 7 बजे मां के मंगल स्नान के बाद 11 से 12 बजे तक पूजा किया जाता है, पूजा के बाद प्रसाद भी दिया जाता है।
इसके ठीक आधा घंटे के बाद बकरियों की बलि दिया जाता है, जिसके बाद मंदिर को एक घंटा तक बंद रखा जाता है। एक घंटा बंद रखने के बाद 1:30 से 2 बजे के बीच में मंदिर को फिर से खोल देता है। गाइस अभी 1:30 बज चुकी है, अभी मंदिर खुलने का टाइम हो चुकी है, इसलिए अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हो गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी मंदिर का दरवाजा खुलने के लिए पुजारी आ चुकी है। अभी आप लोग को एक हस्पा खाली मंदिर का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताना गाइस। सॉरी बाबा। हाय गाइस, अभी हमारा पूजा खत्म हो चुकी है। आप लोग का कस्बा काली मंदिर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे मंदिर है, अभी पूजा चल रहा है।